नेम इज मनस्वी मुझर 2018 ओसीएस सिलेक्ट हो माय रैंक इज 167 आई वुड लाइक टू थैंक द टीम ऑफ द कॉम्पिटिटिव फॉर प्रोवाइडिंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज शेयर माय स्ट्रैटेजी शेयर माय बिहाइंड द स्टोरी थिंग बिहाइंड माय दिस सक्सेस सो लेट्स गेट टू द कंटेंट देन कंटेंट वीडियो करिवार रीजन या कि मुँ चाहूली कि मत गोटे अपॉर्चुनिटी मिलू ये जिनस शेयर करी मोर स्टोरी हाउ आई गॉट सक्सेस आई गॉट दिस सक्सेस सो बिफोर चूजिंग दिस पर्टिकुलर कैरियर पाथ मोर बैकग्राउंड हूँ मो टेक्निकल स्टूडेंट तो टेक्निकल लाइन रे मुझे भी मुझे लेक्चरशिप करूँ सो बट मुझे पेपर पढ़े तो इवेंचुअली मोर जो इंटरेस्ट अच्छी इटा पेपर जहाँ भी इश्यूज आसूची पॉलिटिकल इश्यूज आसूची एनवायरमेंटल इश्यूज आसूची ये जिनस मतलब बेस इंटरेस्ट आसे तो मुझे धीरे धीरे मो पेपर पढ़ाटा भी टाइम नेला देखे एल्डर मैंने पेपर पढ़ती तो बहुत समय नहीं कि पढ़ती मत भी से इंटरेस्ट आसला तो मुझे भाविली कि ना मुझे पर्टिकुलर पाथ कैरियर करा दरकार तो से इंटरेस्ट मुझे कैरियर पाथ टाक चूज कली सो 2015-16 दिल्ली परीक्षा मुझे क्वालिफाई भी कली बट इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली कटिगली बिकॉज मोर मुझे भावे कि मोर परिश्रम से ना से टाइम पाइली तो डेफिनेटली व्हाट एवर मे बी द रीजन मुझे बढ़िया था प्रिपेरेशन को मुझे प्रिपेरेशन स्टार्ट कली भल तो प्रिपेरेशन मुझे जॉब रे भी थी तापर भी प्रिपेरेशन करू थी तो मुझे बेसी टाइम देनी पढ़ापाई जी दिए भल भल चेस्टा करे तो मे बी आगे भल भल रैंक पाई था सो तो स्ट्राटेजी हूँ या कि इंटरेस्ट रखा दरकार मोर इंटरेस्ट थी मुझे जिनस इंटरेस्ट सहित इंटरेस्ट थी पढ़ा को इंटरेस्ट भी आसे तो ये पर्टिकुलर एग्जाम क्राक करने पाइबा मैंने सक्सेस निज इंटरेस्ट जी पढ़वार अच्छी आम टे मैग्निफाई करा दरकार इंटरेस्ट अच्छी 5% तो मैग्निफाई कर 10-12% कले आम डेफिनेटली सक्सेस हाँ तो कमिंग फ्रॉम टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तीन टा फेज रे एग्जाम हुए एज वी ऑल नो प्रिलिमिनरी मेन्स देन इंटरव्यू सो प्रिलिम पाई तो पेपर वन पेपर टू दुटा पेपर टू टा जस्ट क्वालिफाइंग समस्त जानते पेपर वन जहाँ भी स्टाटिक आउ करेन्ट अच्छी दुटाक भितर स्टाटिक को तो सब बड़े सेम स्टाटिकटा के चेंज हेनी तो सीटा को जब आम रेगुलरली कि पढ़ुवा देन इट इज हेल्पफुल आ करेन्ट सहित इच डे कौन कौन इश्यूज होता लिखिले भी आम इट इज सो फास्ट दैट कि लास्ट मिनिट्रे आम पढ़ाप सुजोग हेनी मैंने आम टाइम पाइपर तो से रेगुलर बेसिस पढ़ुवा उटा को आम कहू कि आम टच्रे अच्छे करेन्टर तो से जिनसा निहाती दरकार बही प्रिलिम कह बुक्स प्रिफर हिसाब से एनसीईआरटी तो पिला फॉलो करुँच दैट इज नेसेसरी मुझे भावे कि ओडिया मीडियम रे भी जो 10th लेवल जाए अच्छी बुक्स हिस्ट्री जियोग्राफी जहाँ भी सोशल साइंस को लेकिन दैट इज अल्सो हेल्पफुल खाली लांगुएज से इंग्लीश अच्छी एनसीईआरटी एटा ओडिया अच्छी आमको जोटा कंफर्टेबल वी शुड गो फॉर दैट देन प्लस टू लेवल रे हाँ 11-12 जो सोशल जियोग्राफी अच्छी फिजिकल जियोग्राफी अच्छी इज पार्टा टी पढ़िया दरकार देन एनसीईआरटी सहित आउ किसी पर्टिकुलर जमी प्रतियोगिता दर्पण आसे एनसीईआरटी सहित तार गोटे गाइड जियोग्राफी जी सिलियन आसे पर्टिकुलर के बही आमको फॉलो करा दरकार दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन ए वेरी ब्रॉड मैनर आ सहित एनवायरमेंट को इंपोर्टेंस हाँ आजिकल क्वेश्चन एनवायरमेंट रु बहुत आसूँ तो एनवायरमेंट रो गोटे प्रस्पेक्टिव कहि प्रीवियस ईयर जो जी पीएससीयूज अच्छे जी पब्लिक सेक्टर आई मीन सॉरी जो आमर जो पब्लिक सर्विस कमिशन अच्छी डिफरेंट स्टेट रो तार गोटे आसे क्वेश्चंस मिले आमको गोटे से जो प्रिपेरेशन प्राक्टिस देन किटा क्वेश्चन आम बाजि जाए एनवायरमेंट तो मुझे कहि एनवायरमेंट पढ़ा सहित ये जिनसा क्वेश्चन सहित रिलेट करके पढ़ा दरकार बिकज करेन्ट मोस्टली एनवायरमेंट इकोनोमी टू करेन्ट रिलेटेड होके आसे सो एतिकी देन आसवा मेन्स पार्ट को मेन्स तो इंग्लीश ओडियाटा हूँ क्वालिफाइंग GS1 GS2 रे स्टाटिक अच्छी करेन्ट अच्छी स्टाटिक सेम मैथडोलोजी एतिकी आमको सब्जेक्टिव हाँ पड़ो सब्जेक्टिव हाँपाई गोटे भल भल मार्क
पाया पाए सब्जेक्टिव रे गोटे ही माने पंथा हो प्रैक्टिस लेखा प्रैक्टिस हेले आमे सेतिकी सेठी इनपुट दे पारबा सेठी आमे इनपुट दे दो किंतु टाइम मैनेज हो पारे नी तो लेखाटा रहिले टाइम मैनेजमेंट आमे सीखी जाउ विद इन टाइम सो सेटा हमको डेफिनेटली एग्जाम रे हेल्प करे आउ तापरे पेपर वन पेपर टू पर एसे आसे एसे रे भी सोशल स्टडीज सोशल इश्यूज को नहीं केसे आसे पॉलिटिकल इश्यूज को नहीं कि आसे माने जोटा कि आमे कॉन्स्टेंट सबुबले माने गोटे टाइप रो इश्यूज आसे जोटा को आमे देखुचे रेगुलर बेसिस रे बट वी आर अनेबल टू राइट अनबायसली ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उपर एसे आसे तो तार पॉजिटिव नेगेटिव निजर ओपिनियन सब जिन से आमको लिखा पड़े तो जितकी आम से विषय में भाविबा जिते जिन पढ़ी से पर्टिकुलर इश्यूज सपोज चाइल्ड लेबर को लेकिन क्वेश्चन आसे तो चाइल्ड लेबर रिलेटेड एनी जहाँ भी पॉलिसीज अच्छी विगत 10 वर्ष 10 वर्ष भितर लास्ट डिकेड रे जहाँ भी डेवलपमेंट से जिनस को लेकिन पूरा लिखा पड़ो तो यहाँ आम जो सोशल स्टडीज पढ़ुआ जीएस सेतबेले ही आमको टच मन को आसी जाए ये जिनस लिखा हुए तो सोशल इश्यूज पर जो पढ़ुचे पेपर देखुचे ही आम करेंट कंटेक्सट रिलेट करवा एसे देन आमर ऑप्शनल टा चूज करवा ऑप्शनल सिलेबस को देखिकी सिलेबस जदि आमको ठीक लगुच कंफर्टेबल लगुच आम पाखे मटेरियल अच्छी रिसोर्स अच्छी आम से कंफर्टेबल अच्छे देन वी शुड गो फॉर दैट ऑप्शनल आउ जदि निज सब्जेक्ट ही आमको भल लगुच देन वी शुड गो फॉर इट आम पाखे तो सब ऑप्शनल तो सब सब्जेक्ट अच्छी तो आम से देपर एंड देन ऑप्शनल रे मार्क फेचिंग मुझे गोटे जिनस कह प्रीवियस ईयर प्रीवियस 10 वर्ष ओपीएससी रो मेन ऑप्शनल क्वेश्चंस फॉलो करले आम तार गोटे गोटे स्ट्रेटजी मिल जाए आमको कि को सेक्शन रू केते मार्क आसुची को सेक्शन रू केते क्वेश्चन केमती आसुची तो सेटा आमको बहुत हेल्प कर लास्ट मोमेंट रे पढ़िया पे प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट रे जति कि आमे दबा कथा इनपुट मे बी आ घंटे अधिक देले आ टिक अधिक हो पारे ऑप्शनल टा बहुत मार्क फेचिंग देन ऑप्शनल परे पर्टिकुलर ऑप्शनल सहित भी टिके टिके डिफरेंट होगा दरकार जमीक मोर ऑप्शनल ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में मत मैप बहुत इजी लगे मतलब भल लगे मैप मत मैप सहित मुझे टाइप रेले पिलादिन मैप मैप को नहीं तो मत से इंटरेस्ट लगे तो मैप इच पेपर में 60 क्वेश्चन आसे 60 मार्क्स तो 120 मार्क्स से आपे जो मैप को स्ट्रंगली देखिए तो मुझे हिसाब से ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज करी तो पिला माने जो माने चॉइस करछन ऑप्शनल टा निजो हिसाब रे चॉइस करंतु जोटा कि निजो को हेल्पफुल होबो केमिति को हिसाब रे स्ट्रेटजी बनले ऑप्शनल रे मार्क उठे परबे देन पर्सनल इंटरव्यू को आसीबा जदि गॉड्स ग्रेस हमको मिली गला हम सिलेक्ट हे गले मेन सिलेक्ट हे गले देन ऑप्शन हमरो इंटरव्यू पई सबट बड़ जिनस थ्रू आउट जहाँ भी करेन्ट रे जहाँ चली इंटरनेशनल इश्यूज नेशनल इश्यूज किसी भी आम अराउंड रे होची सराउंडिंग्स रे होची ओडिशा रिलेटेड हो निज डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड हो सब जिनस गोटे टिप्पणी रखिकी लिखा दरकार जेबेठू रिजल्ट बाहर मेन्स रेबेठू हेल्ले से दिन तुम पाखे रहा मानने डाटा रहा कि आम हाँ आम जाचे ये जिनस हो निज डिस्ट्रिक्ट तो पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट विषय में जो टेक्निक जिनस टूरिज्म रू स्टार्ट करी एडमिनिस्ट्रेशन पर्यंत हिस्ट्री रू स्टार्ट करी जियोग्राफिकल पोजिशन पर्यटन सब जिन डिस्ट्रिक्ट जाना दरकार आउ दे निजर भी जहाँ बायोडाटा अच्छी निजर क्यारिययर को लेकिन निजर एकाडेमिक्स को लेकिन बहुत प्रिपेरेसन करा दरकार टिक बै टिक लिखा दरकार कि ना ये जिनस मुझे कहीं मुझे 10th परे प्लस टू आई टी आई कली कि किए प्लस टू कला कि मुझे डिप्लोमा करे जिन कहीं डिसीजन नहीं निजे गोटे टिप्पणी लिखिकी रखा दरकार तो से आम भोकाल हो पार जदि आम भोकाल हो पारे से भल रेस्पन्स मिल तो इंटरव्यू रे सब भल जिन कि हाउ टू गिव योर रेस्पन्स पॉजिटिव रेस्पन्स देने से पॉजिटिवली निदी बिना रेस्पन्स आम देवा रेस्पन्स देवानी आम नर्भस देन इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे आमको रेस्पन्स किसी ना किसी देवा पड़ो तो मुझे कह पॉजिटिव होगा दरकार कॉन्फिडेंस सहित से रेस्पन्स डेफिनेटली इट विल गोइंग टू वर्क आउट देन इंटरव्यू रे हाँ गोटे कथा क्वेश्चन कौन पचारे मुझे किसी कहीपर बिकज क्वेश्चन इज ऑलवेज इट इज केवेश्चिन गुड़ा आमर एक्सपेक्टेड न था सब क्वेश्चन गुड़ा आउट ऑफ द ब्लू आसे मैंने सडनली क्वेश्चन करती किसी गोटे टिप्पणी को लेकिन तो सी नर्भस होगाटा इज ए कमन थिंग बट नर्भस हो जगह माइंड को प्रिपेरेसन करके भोकाल देन डेफिनेटली वी सुड हाव ए रेस्पन्स इन नो मैन इन नो टाइम सो मो हिसाब से रेस्पन्सटा इम्पोर्टाट आउ सब आसवे से किसी मैंडेटोरी ना कि नहीं सब आसा दरकार मत आसानी मुझे नर्भस डाउन हो तो मुझे कथा कह कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा दरकार।
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନିଟା ଫେଜ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିବା 1 to 2 hours ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି 1 to 2 hours ଭଲରେ ଦେବା ଦରକାର। 2 to 3 hours ବହୁତ ଭଲରେ ଦେବା ଦରକାର, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଖାଇବାରେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ସେମିତି ପଢ଼ାରେ ବି ବାଲାନ୍ସ ରଖିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ମ୍ୟାନର। ସୋ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେବାନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେ ଜାଗାରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲାନି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଆନ୍ସର୍, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନା କି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆନ୍ସର୍ଟା। ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମିଳିବ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବି କରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଇକି ଆସେ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜେ ନିଜେ, ଗୁଗୁଲ୍ କରେ କିମ୍ବା ବହି ଖୋଜେ। ବହି ଖୋଜିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମିଳେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରେ, ହେଲ୍ପ ଆମକୁ କରେ। ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହିବି ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର ମୋ ହିସାବରେ, ସେ ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସେ ସଜେସନ୍। ସୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମେନ୍ ରାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ GS ପାଇଁ ଦରକାର, ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଲେଖିବାଟା ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ନେସେସରୀ। ସୋ ମୋ ହିସାବରେ ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେତିକି, ଆଉ ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ରହେ ନ ରହିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ସେ। ଆଉ ବାକି ନିଜ କାମଟା ଠିକ୍ସେ ରଖିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆୱାର ସକ୍ସେସ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼୍ ଲକ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।